वीरों की धरती गाजीपुर का एक और जवान शहीद हो गया है, जिसका नाम अभिषेक यादव है। पिता का नाम राम जन्म यादव, ग्राम वृंदावन का यह लड़का अभिषेक यादव, 5 बहनें, 2 भाई और माता पिता के साथ हंसता खेलता परिवार जो आज उजड़ गया। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे नौजवान युवाओं को मैं दिल से नमन करता हूँ। अभिषेक यादव को मेरा सलाम, जिनके जीवन में ये मुकाम आया। गर्व है मुझे इस जवान पर, जिसका लहू इस देश के काम आया। साथ ही सत्या भाई को भी मैं दिल से नमन करता हूँ, जो ऐसी सिचुएशन में भी लोगों से बात करते थोड़ा भी नहीं डगमगा रहे हैं। मुझमें तो हिम्मत भी नहीं होती कि मैं अभिषेक यादव के माँ से ऐसे बात कर सकूं। आज सबकी आंखें नम हैं, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनका सहारा थे अभिषेक यादव। नमन है उस माँ को जिसका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन अपने दूसरे बेटे को भी देश की सेवा में जाने के लिए आग्रह कर रही है। मैं ऐसे माँ बाप के जज्बों को सलाम करता हूँ, इसलिए तो इस धरती को वीरों की धरती गाजीपुर कहा जाता है। अब बुढ़ावा का बुढ़ौतिया बिगाड़ देला, हमान का गुजरवा के करी, हमान का परवा के लगाई, लाल हमार कह रहा कि हम लगाई, हमरे लाल हमरे हर केसों का लगाई के चाहिए, हम हनो का वही में लगाई के चाहिए। शादी के ले लो कि ना उनको, शादी भइल लेकिन ना शादी ना भइल ना, अरे ना कोच लड़का रहना दू जाने सबसे छोटा ना बड़ रहना छोटा रहना है। बहन का जन्म 5 गो वाह 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 बहन आके देखे के हो। कब पक्का पता चल कि हम आपके बेटा अपना हो दुनिया में, कब पता चल कब पता चल आपके की दुनिया में? परसों भोरावा में होला लगान। दोस्तों माता जी है, माता जी को पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बहन है, यहाँ पे था तो बताइए बहन। अच्छा भैया भैया 2018 का, अरे भैया भैया मारा चलिए में सबसे छोटा था और इसके लगन थी कि हम जाएंगे तो सेना में ही जाएंगे और दुर्भाग्य कहा जाएगा और इसके आगे हम क्या कहें। अभिषेक यादव की नौकरी कब लगी थी? 6 जून 2019 को। 19 में, आज 21 यानी 2 साल लगभग दो साल हुआ है। कितने भाई थे? 2 भाई थे, 5 बहनें थी। 5 बहनें थी, तो ये सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे। बहनों भी सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे सब। अच्छा अच्छा, प्रधान जी ये बताएं कि अब तो आपको पता ही है कि लगातार कुछ दिनों से कुछ ही साल में देखा जाए तो कई शहीद हमारे गाजीपुर के लड़के हुए हैं। अगर अब जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देश सेवा में क्या है, अब तो ये दुर्घटना कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, मगर अब देश सेवा से तो पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा तो करेंगे, लोग करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे है। इनके पिताजी का नाम रामजन्म यादव है। ये बहुत ही अच्छे परिवार, मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, एक किसान के बेटे थे एक, और इन्होंने बहुत मेहनत की थी, हम लोग के बीच रहते हुए बहुत मेहनत की थी इन्होंने, जो कि हम लोग को बहुत दुख हो रहा है इस समय। हम लोग के बीच अभिषेक राज यादव नहीं है, इनके आंखों में आंसू है दोस्तों। हम लोग गाजीपुर के, अब पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहुत बड़ी तकलीफ है। दूसर का काम की हम लोग को कोई तकलीफ नहीं, हम लोग को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। हमें बताइए कि मेरा भैया शहीद हो गया, हम लोग की सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। हम लोग को बहुत बड़ी तकलीफ है कि हमारे भैया जनता के सेवा के लिए, हमारे भैया देश के सेवा के लिए मर रहे हैं, और मेरे भैया को शहीद होने के बाद मेरे भैया को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। आप बता दीजिए कि आपको सरकारी एम्बुलेंस मेरे भैया को नहीं मिली। ये बताइए, जैसे कि आपको पता चला कि नहीं सरकारी एम्बुलेंस नहीं, क्या बात थी कि सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला था, बताइए। इसलिए हम लोग को सरकारी एम्बुलेंस प्राइवेट
मिले थे मेरे भैया अभिषेक यादव जी ने वहाँ भदौरा में, इसलिए रोका गया कि प्राइवेट एम्बुलेंस आ रहे थे। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे सर, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। सुन लो बेटा, सेना की गाड़ी भी गई है, मेरी भी गई है, ये जो भी फॉल्ट है, जो व्यवस्था है वो सेना की है, हमें तो कुछ बताया नहीं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितना सम्मान है, जितना सम्मान होगा, जो भी व्यवस्थाएं होगी सब मैं दिलवाऊंगा आपसे। इतने लोगों के बीच में वादा सर, आप केवल सुनिए मेरी बात, सुनिए, वहाँ सारे अफसर हो चुके हैं और जो है सारे लोग पहुंच चुके हैं, सारे सेना के भी अफसर आ गए हैं, सब लेके आ रहे हैं। तो हमारे भैया आ जाएंगे, हम लोग खोल देंगे, हम भैया मेरे आ जाएंगे, हम खोल देंगे, कुछ नहीं दंगा करेंगे। मेरे भैया आ जाएंगे, दंगा नहीं करेंगे। मेरे करेजा सर, मेरे करेजा पे खुद ही दाल दर्द रही। नहीं सर, हमको बात हो रही है सर, बात किया सर। भैया मेरी बात सुनिए, अगर ये सम्मान का तरीका हो तो हम सम्मान सर, हम शांति पूर्वक ये सम्मान माता की जय, भारत माता की जय, अक्षय भैया अमर रहो, अक्षय भैया अमर रहो, अक्षय भैया अमर रहो। हड़ताल का जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं लोग, यही डिमांड है लोगों की, हमको अभिषेक यादव जी हैं वो अच्छी तरह से उनको सम्मानित उनको लाया जाए। जबकि यहाँ पे दरोगा महोदय ने भी कहा कि हम सम्मान को खोल दिया जाए, जबकि हम अच्छी तरह से हम उनका सम्मान जो लाश आएगी उनको जो है सम्मान किया जाएगा। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अभिषेक यादव तो शहीद हो गए, लेकिन छोड़ गए कई सवाल कि क्यों उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो एक शहीद को मिलना चाहिए। क्या यह देखकर आज के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा जो भारत माता की सेवा के लिए दिन रात तैयारी में जुटे रहते हैं? कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।